खरगोन, केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि बिल के विरोध में देश भर के किसान सड़कों पर उतर कर जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता और विधायक बढ़ती महंगाई के विरोध में राज्य और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में दिखाई दिए। जब कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के समीप धरना देकर प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन सौंपा, दरअसल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित रोजमर्रा की वस्तुओं में लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को खून के आंसू रुला दिए हैं, जिसके विरोध में खरगोन जिले में कांग्रेस कमेटी ने ठेला गाड़ी पर रसोई गैस, मोटरसाइकिल रख कर रैली निकाली और गांधी प्रतिमा के समीप धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने कृषि बिल का विरोध करते हुए बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार को जमकर खदेड़ा और बताया कि आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किया जा रहा है और बैलगाड़ी और बाइक को भी रखकर, ठेले पर रखकर प्रदर्शन कर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के साथ। किसानों की समस्याओं के साथ साथ देश के अंदर इस वक्त महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। पेट्रोलियम पदार्थों के जब देश में भाव बढ़ते हैं तो उससे प्रतीत होता है कि सारी चीज़ों के भाव बढ़ते हैं। देश में पेट्रोल चरम सीमा पे, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे दामों पे बिक रहा है, डीजल सबसे ऊंचे दामों पे बिक रहा है। पिछले एक महीने के अंदर 100 रुपये प्रति गैस की टंकी पर भाव बढ़ा दिए गए। महिलाओं का आक्रोश भी पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। किसानों का आक्रोश है, नौजवानों का आक्रोश है। आज़ाद हिंदुस्तान में इतने कभी पेट्रोल के भाव नहीं रहे। जो मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये है, जो इस देश के अंदर 35 रुपये में मिलना चाहिए, उनकी योजना है कि 135 रुपये लीटर पेट्रोल पे हो सकता है कि 2024 तक ले जाएंगे। उसके विरोध में आज पेट्रोलियम पदार्थों के, विशेषकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के विरोध में और किसानों की समस्याओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी के एक आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ आज एक रैली निकालकर बापू के सामने धरना प्रदर्शन करके 1 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे। उसके बाद प्रशासन को ज्ञापन देंगे और पूरे देश के अंदर और विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में किसान कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अगर पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के भाव कम नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ पुनः इस बात का विरोध करती रहेगी जब तक पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम न हो। लोकसभा और विधानसभा में भी घेरा जाएगा सरकार? बिल्कुल निश्चित, जहाँ अवसर मिलेगा, जो मंच होगा वहाँ पर सरकारों को घेरने का काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से निवेदन करते हैं कि अगर वो इस महंगाई के दौर में पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट टैक्स कम कर दे तो निश्चित ही पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम हो सकते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के अंदर वेट सबसे अधिक मात्रा में लगाया जा रहा है, इसलिए उनसे भी मांग करते हैं और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करें, विशेषकर रसोई गैस की कीमतें। रसोई गैस की सब्सिडी भी बंद कर दी गई 3 महीने तो ठीक है, इनकी नीयत और नीति है कि गरीब और मध्यम वर्गीय की कमर और किसान की कमर कैसी तोड़ी जाए। जो कांग्रेस पार्टी और आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान, गरीब और मजदूर और महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी, उन योजनाओं पर जो सब्सिडी था, धीरे धीरे करके किसानों की, महिलाओं की और गरीब और दलित, पिछड़े की, आदिवासी के, अल्पसंख्यक की सबकी सब्सिडियां खत्म कर रहे हैं ताकि उनकी कमर तोड़ने पर किसान लगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।